ये मैं आलू के जो है समोसे बनाने सिखा रही हूँ, और इसमें ये मैं मैदा लूंगी। टू कप के करीब मैंने भर के मैदा लिया है, और इसको छान लूंगी। ये मैदा मैंने छान लिया है, और इसके अंदर मैं 1 टीस्पून भर के अजवाइन डालूंगी। समोसों के जो पट्टी होती है उसमें अजवाइन थोड़ा अच्छा सा टेस्ट आ रहा होता है, और साथ में ये मैं इसमें 1 टीस्पून के करीब जीरा डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने इसमें अजवाइन डाली है, 1 टीस्पून जीरा, और 1 टीस्पून ही के करीब मैंने नमक डाला है। और इसके अलावा मैं इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ। ऑयल तकरीबन जो है वो 4 to 5 या 6 टेबल स्पून मैं भर के डालूंगी, क्योंकि ऑयल से ये होता है कि इसके अंदर स्मूथनेस आती है और ये खस्ता बनते हैं। और अब मैं इसको थोड़ा पानी डाल के अंदाजे से इस तरह से थोड़ा इसको हार्ड भूनना है, बहुत नरम नहीं करना है। इसको हम 30 मिनट के करीब रखेंगे, और फिर उसके बाद इसकी छोटी छोटी रोटियां बेलेंगे। साथ ही मैं इसके आलू की फ्लिंग तैयार करूंगी। इस तरह से हमने इसको थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा के थोड़ा सख्त गूंदना है, नरम नहीं करना है, क्योंकि नरम डो जो होता है वो फिर पट्टी बनाने में और उसको फिर वो फैलता है। इस तरह से हमने इसको इसी पानी के अंदर मिक्सअप करना है और इसको स्मूथ करना है। इस तरह से मैं आटे को जो है स्मूथ गूंदूंगी, और तकरीबन तकरीबन इसे 10 से 11 12 मिनट जो है स्मूथ करना है। और इस तरह से ये आटा जो है और इसके बाद मैं इसको 30 मिनट्स के करीब ऑयल लगा के रखूंगी, और उसके बाद फिर इसकी रोटी बेलूंगी। अभी ये थोड़ा थोड़ा सा स्मूथ हो रहा है, लेकिन अभी मुझे इसे बहुत तकरीबन 10 मिनट के करीब जो है डो को गूंदना है। ये इस तरह मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं, और इनको जो है मैं हल्का हल्का कांटे से मैश कर लूँगी। बहुत ज़्यादा ये समोसों के लिए आलू जो है वो मैंने बॉईल किए हैं, और इनको जो है मैं ऐसे हल्का हल्का कांटे से जो है वो करूँगी मैश। और इसके अंदर हमने नमक डालना है, ये तकरीबन मैं इसमें ये भी 1 टीस्पून ही डाल रही हूँ। ये आलू होंगे कोई 750 ग्राम या 1 किलो से थोड़ी कम है। ये धनिया पाउडर है, पिसा कुटा हुआ धनिया है, ये मैं तकरीबन इसमें 2 टीस्पून डालूंगी, क्योंकि जब आप आलू खाते हैं बाज़ार के समोसे तो उसमें थोड़ा क्रश आलू का टेस्ट ज़्यादा आता है। और इसके अंदर मैं ये थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च डालूंगी। सिंपल आलू बना रही हूँ मैं, इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं डाल रही हूँ। और ये एक मैंने बड़ी प्याज जो है वो कट की हुई है, और इसको मैं हाफ इसके अंदर ऐड करूंगी।
और साथ ही मैंने ये हरा धनिया, हरी मिर्च और लहसुन जो है पीस के रख लिया है, क्योंकि आजकल जो है लॉकडाउन की वजह से चीज़ें अवेलेबल नहीं है, तो ये मैंने थोड़ा सा इसको पीस लिया है। और इस वरना तो आप फ्रेश भी इसमें हरा धनिया, हरी मिर्चें काट के डाल सकते हैं। और ये इस तरह से बस इसको मैं थोड़ा सा मैश करके, ये आलू बहुत गर्म है, इनको ठंडा करूँगी और उसके बाद इनकी पट्टियाँ बेल के इसको फिल करके उसमें फ्राई करूँगी, डीप फ्राई ऑयल में इस तरह से। इस तरह से सेंटर से हमने रोटी को कट किया और इसकी एक साइड पे हम पानी लगाएंगे और इस तरह से इसको बंद करेंगे। इसकी पॉकेट की तरह बना लेंगे। आलू वाला बैटर हम इसमें भर देंगे। और इस तरह से इसको बंद करेंगे। इस तरह से समोसे का शेप आ गया और इसको फ्राई करने डालना। इस तरह से हमने डीप फ्राई करना है इनको। और ये इस तरह से तैयार हो गए, इनका लाइन कर दी। बस ये समोसे रेडी हो गए और इसको हम खट्टियों के साथ सर्व कर सकते हैं।